नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से एक दुखी खबर आ रही है और वो खबर है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि 7 जुलाई 1981 में जन्मे, झारखंड के रांची के अंदर। आज उन्होंने 15 अगस्त 2020 को, यानी कि जब भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, और आज शाम की ये न्यूज़ पूरे भारतवर्ष में और या पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से हर इंसान जुड़ा हुआ था और आज की न्यूज़ उनके दिल को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रही है। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे फिनिशर थे जिन्होंने हर मैच के अंदर बहुत अच्छी पारी खेली थी और उसको मैच को जिताने के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। और अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी 2006 से लेकर 2016 तक काफ़ी लंबे समय तक ODI क्रिकेट और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जहाँ उन्होंने भारत के कप्तान के रूप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और यहाँ पर उन्होंने भारत को 2007 के अंदर ICC T20 वर्ल्ड कप जितवाया था और उसी के साथ में 2011 के अंदर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। यहीं पे 2016 के अंदर भी भारत ने एशिया कप भी जीता था और 2015 में भारत सेमीफाइनल तक पहुँचा था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जहाँ पर भारत को बाहर होना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर कोई और टीम आ चुकी थी। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी के करियर के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी भूमिकाएँ निभाई है। एज ए कैप्टन, एज ए गुड कीपर उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट के अंदर, और उनकी कप्तानी के अंदर जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी, तो उन्होंने टीम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और सभी को साथ लेके चले, कभी भी वो विवादों में नहीं रहे। हाँ, युवराज सिंह के साथ महेंद्र सिंह की धोनी की अचीवमेंट्स के बारे में, तो 10,773 रन उन्होंने वनडे मैचेस में बनाए हैं, जहाँ पर ये बहुत बड़ा स्कोर है। और उन्हें बहुत सारी सेंचुरीज़, अगर हम बात करें तो ODI के अंदर 10 सेंचुरीज उन्होंने अभी तक बनाई हैं और कई सेंचुरीज़ बनाने में वो चूक रह गई थी या तो। और अगर बात करें मैं ICC क्रिकेट रैंकिंग के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी एक लंबे समय तक ICC रैंकिंग में पहले पायदान पर रहे थे। और अगर बात करें उनकी टीम के बारे में, तो उनके लीडरशिप और उनके टाइम पर जब वो कप्तान थे, तो भारतीय टीम चाहे ODI हो, चाहे वनडे क्रिकेट मैचेस हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट मैचेस हो, या T20 वर्ल्ड कप हो, तो भारत ने हमेशा पायदान वन पर रहने की पूरी कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हुई। तो आज भारत से महेंद्र सिंह धोनी एक बड़े विख्यात, जिनको सचिन तेंदुलकर के बाद बहुत बड़ी उपाधि दी गई है क्रिकेट के अंदर, आज उन्होंने 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी के रिटायर होने पर।